हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हमेशा जैसा कि मैं रोज देती हूँ सेट, तो आज भी 50 क्वेश्चंस का सेट है। और एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने चलाया है 50 50 क्वेश्चंस पीटी के लिए और मेंस के लिए, तो ऐसा नहीं है आप जो मेंस देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चंस को सेट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेंस जिन्हें देना है वो इस वीडियो को उनके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप दोनों ही वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था उसका आंसर क्या है। काफी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। तो क्वेश्चंस क्या है इसका, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांचवा रैंक दिया गया है। और इसमें से सही आंसर दिया है, सबसे पहले कमेंट है उनका विक्रम कुमार का, इन्होंने सही आंसर दिया है पांचवा स्थान। और दूसरा आंसर सही देने वाले हैं रोहान अमन, और तीसरे हैं विनु बॉयस। तो ये थ्री नेम थे जिसका मैंने लिया। और आगे नेक्स्ट की वीडियो में हमेशा की जैसा कि आज हमने दिया था, तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको हमेशा दे दिया जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। निम्न में से किस देश को चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है या फिर कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड को। वैदिक काल में निम्न में से किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गंडक। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। यानी कि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर और नियत रहता है, जबकि भार जो है स्थान बदलने पर उसका भार हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तनीय होता है। 31 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केरल। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP के द्वारा। निम्न में से भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था और इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गुरुपद स्वामी समिति संबंधित था किससे। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाल श्रम से। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। निम्न में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया।
आंसर है इसका ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था उनकी कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -1.6×10⁻¹⁹ कूलम। लॉटरी कमेटी का गठन निम्न में से किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नगर नियोजन से। लॉटरी कमेटी का जो गठन है वो नगर नियोजन के लिए किया गया था। इसका नाम लॉटरी कमेटी किस लिए रखा गया? क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की जो व्यवस्था की जाती थी ना, वो जनता के बीच लॉटरी को बेचकर की जाती थी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि शहर के विकास की जो जिम्मेदारी थी वो न सिर्फ सरकार की थी बल्कि नागरिकों की भी थी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे कि वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। यह जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अल्फा किरणें हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम आयन। अल्फा किरणें क्या है? तो द्विआवेश युक्त हीलियम आयन है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन जो थे ये 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम भी आप याद रखिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन जो थे 3 सदस्य, इसमें से कौन कौन 3 सदस्य थे। ठीक है, तो इन तीनों का आप याद रखिए नाम। निम्न में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सार्गेसो सागर। केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुषमा स्वराज भवन। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स से जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है जिसे स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किया गया था। कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मनप्रीत सिंह को। बजट एक लेख पत्र है, सॉरी यहां पे पत्र होगा, बजट एक लेख पत्र है किसका? आंसर है ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। निम्न में से अंडाशय कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी,
ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अंडाशय द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है। बाकी के जो ऑप्शन है रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन ये अंडाशय के द्वारा रिलीज की जाती है। 19 एस्टुरीज कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। 90 एस्टुरीज जो है ये हिंद महासागर को पश्चिम और पूर्वी हिंद महासागर में बांटती है और यह हिंद महासागर के तल में स्थित एक रेखीय संरचना है। निम्न में से किसे लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, संथानम समिति की संस्तुति पर। अधिकांश विषाक्त पदार्थ की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लीवर में। निम्न में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, उद्देशिका में। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करें और इसमें बताएं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, केवल एक और तीन सही है कि यह लाहौर अधिवेशन यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो ये दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये गलत है क्योंकि इसके अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद में? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, स्वेज एवं पोर्ट सईद। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 21 अगस्त को। निम्न में से किस योजना के तहत कोविड-19 महामारी लॉकडाउन ये 2020 में के अंतर्गत 8 करोड़ गरीब परिवारों को अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने हो गए 2020 में एलपीजी का एक एक रिफिल सिलेंडर मुफ्त में दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा वो 2012 से 17 तक रहा और यह जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध, धम्म और संघ को। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, वाराणसी में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन बी, 2 माह के भीतर। पुस्तक कैमिनो विंस के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, जॉन ग्रीशम। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, वाट। निम्न में से किसे WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, नाइजीरिया को। रॉलेट एक्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए यह लाया गया था, यह रॉलेट एक्ट, और दूसरा है कि इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। ये दोनों ही रॉलेट एक्ट के बारे में सही है। तीसरा ऑप्शन है कि गांधी जी रॉलेट एक्ट का समर्थक था, तो ये गलत है क्योंकि गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट का घोर विरोध किया था उन्होंने। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर गोवा में अवस्थित है। किशन महाराज का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है ऑप्शन डी, तबला से। शरीर में किसकी कमी से टिटैनी रोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि इसमें आपका स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि मई 2020 में भारत के किस राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और आप अपना स्कोर भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।